This video is sponsored by The Indian Photography. नमस्कार, द रूस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यानी चौथा स्तंभ, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाला मीडिया आज तमिलनाडु में खतरे में आ चुका है। नाना पाटेकर और धनुश्री दत्ता की खबर को खूब मसाला लगाकर आप तक परोसा जा रहा है और इसके पीछे तमाम ऐसी खबरें आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं जिसको आप तक पहुंचना बेहद ज़रूरी माना जाता है। खैर, आपका रुख धनुश्री और नाना पाटेकर की खबर से हटाकर तमिलनाडु की एक ऐसी खबर तक पहुंचाते हैं जो हकीकत में बहुत बड़ी खबर हो सकती है। ये खबर है आरआर गोपाल यानी नक्किरण गोपाल के बारे में, जिनको आज सुबह 8:20 पर चेन्नई के एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार क्यों किया गया? क्योंकि बनवारी लाल पुरोहित, जो कि स्टेट गवर्नर हैं तमिलनाडु के, उन्होंने उनके खिलाफ एक कंप्लेंट लिखी कि जो एक रिपोर्ट उन्होंने लिखी है कुछ दिनों पहले नक्किरण पत्रिका में, जो एक वीकली पत्रिका है तमिलनाडु का, जो कि बहुत मान्यता प्राप्त पत्रिका है और काफ़ी लोग इसको पढ़ते हैं और काफ़ी स्पष्ट पत्रकारिता मानी जाती है और काफ़ी साख है, काफ़ी बड़ी साख है इस पत्रिका की तमिलनाडु के अंदर। नक्किरण गोपाल के बारे में थोड़ा सा हम और आपको बताना चाहेंगे। नक्किरण गोपाल ये वही शख्स हैं जिन्होंने वीरप्पन की कहानी वीरप्पन के गढ़ में यानी वीरप्पन के जंगल के अंदर घुसकर वीरप्पन के साथ बैठकर वो रिपोर्ट कवर करी थी और उसके बारे में काफ़ी लिखा था। एक और खबर ये भी मानी जाती है कि कर्नाटका के सुपरस्टार माने जाने वाले राजकुमार को जब वीरप्पन ने किडनैप कर लिया था, उनको छुड़ाने में भी गोपाल का यानी आरआर गोपाल का बहुत बड़ा हाथ रहा है। एक ऐसा शख्स जिसको तीन स्टेट की पुलिस भी नहीं आसपास भटक पा रही थी, नहीं पकड़ पा रही थी, वहाँ पर एक ऐसा रिपोर्टर जो जंगल में जाता है, उनकी खबर लेके आता है और नक्किरण पत्रिका में वीरप्पन की कहानी पब्लिश होनी शुरू होती है। खैर, वापस आते हैं इनकी खबर पर। ये घटना है अप्रैल के महीने की इसी साल के। निर्मला देवी नामक एक प्रोफेसर थी जो कि विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट में अरूपकोटे नामक एक जगह है जहाँ पे एक बहुत बहुचर्चित कॉलेज है जिसकी प्रोफेसर हैं ये निर्मला देवी, और इन्होंने एक ऑडियो रिलीज़ किया यानी नक्किरण गोपाल ने एक ऑडियो रिलीज़ किया जिस ऑडियो में निर्मला देवी कुछ एक छात्राओं के साथ बात करती हुई नज़र आती हैं, जहाँ पर वो बात बात पर ये कहती हैं कि मेरी जो पहुंच है वो तमाम मिनिस्टर्स एमपी एमएलएस के साथ है और मेरी जो पहुंच है वो जो यहाँ के गवर्नर हैं जिनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा है। जिसको प्रूव करने के लिए निर्मला देवी ने एक वीडियो भी इन बच्चों को भेजा था जिस वीडियो में ये दोनों साथ बैठे नज़र आ रहे थे, जिसका पर्दाफाश नक्किरण गोपाल ने किया। और उस ऑडियो में निर्मला देवी बार बार ये कहती नज़र आ रही थी कि अगर तुम लोग मेरी बात मानो तो आपको बेहतर नौकरी हम दिलाने में आपको मदद करेंगे। கவர்னர் வர்ற வீடியோல அனுப்பி இருந்தீங்கல்ல, அப்போ சில விஷயங்கள் என்ன நடந்துச்சு அது நீங்க என்ன சொன்னீங்க ஃபுல்லா, அதாவது ஒரு நடுவுல ஒரு ஸ்கிரீன் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா கவர்னர் லெவல் கவர்னர் தாத்தா இல்ல. நான் சொல்ல வர ரீசன் வந்து அந்த கவர்னர் மீட்டிங் நான் வீடியோ எடுக்கிறது எந்த அளவு பக்கத்துல இருந்து तेरी। इसके साथ साथ आपको बहुत पैसा भी मिलेगा, यानी उनका सीधा सीधा निशाना यही था कि अगर ये लड़कियां इन मिनिस्टर्स इन एमपी एमएलएस के पास जाती हैं अपने पर्सनल फायदे के लिए, आप समझ सकते हैं इट्स सेक्सुअली, वो उनको उनके पास भेजना चाहती थी, एक देह व्यापार के लिए उकसा रही थी जिसमें साफ साफ बनवारी लाल पुरोहित जी का नाम इसमें शामिल हुआ। इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद बनवारी लाल पुरोहित ने चुप्पी साध ली थी और निर्मला देवी एक तरह से अंडरग्राउंड हो गई थी। ना निर्मला देवी से किसी भी तरह की पूछताछ नहीं करी गई, ना ही बनवारी लाल पुरोहित जी से इस बारे में पूछताछ करी गई। आज उस शख्स ने जिसने इस पूरी खबर को दुनिया के सामने ला के रखा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकतंत्र के चार स्तंभों में सबसे अहम स्तंभ मीडिया को माना जाता है, यानी चौथा स्तंभ मीडिया ही है। मीडिया एक तरह का दर्पण है, आईना है सरकार के लिए, जहां पर मीडिया उनकी अच्छाई और बुराई दोनों को ही दिखाता है। हम बहुत जिम्मेदारी से आपको ये बात बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी हम अपने चैनल में दिखाते हैं बताते हैं, उसके गहराई तक हम
पहुंचने की कोशिश करते हैं, उस खबर को हम अच्छे से जांच पड़ताल के बाद ही आप लोगों तक पहुंचाते हैं। हर एक रिपोर्टर की जिंदगी में इतनी ज़्यादा उथल पुथल हमेशा रहती है कि वो अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को भूल कर वो आपके लिए काम करता है। अगर बनवारी लाल पुरोहित और निर्मला देवी से पूछताछ नहीं करी गई थी तो उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है जिसने इस मसले को उजागर किया था। बीजेपी के ऐसे कई सारे नेता हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे, जिसमें कि एच राजा, उसके बाद तमिलसई सौंदरराजन, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा खराब टिप्पणियां करी थी लोगों के बारे में मजहब को लेकर, लेकिन उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करी गई हैं, कंप्लेंट्स दर्ज करी गई हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। तमिलनाडु में हालत आज ये है कि अगर आपने सरकार के खिलाफ, अगर आपने केंद्र की सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला, आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। तमिलनाडु में जो नए राजनेता हैं, जो तमिल के लिए, जो यहाँ के लोगों के लिए बोल रहे हैं, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार बारी बारी किया जा रहा है। सबसे पहले आपको मैं बात बताना चाहूँगा, पीयूष मानुष को, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। ये सेलम नामक एक जगह पे रहते हैं। यहाँ पर जो 8-lane हाईवे बन रहा था, काफ़ी सारे लोगों के घर छिन रहे थे, उनके बारे में आवाज़ उठाने वाले ये पहले शख्स हैं। इनकी आवाज़ को दबाने के लिए इनको गिरफ्तार किया गया और बाद में इनको छोड़ दिया गया। इसके बाद डायरेक्टर हैं एक यहाँ पे सीमान, जो कि राजनेता भी हैं, उन्होंने भी काफ़ी सारा यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के सपोर्ट में बात करी थी, इस वजह से उनको भी गिरफ्तार किया गया और बाद में उनको भी छोड़ा गया। एक और डायरेक्टर है जिनका नाम है गौतमन, उनको भी इसी तरह के मसले में गिरफ्तार किया गया था। IPL का जो क्रिकेट हो रहा था, वहाँ पे जो पत्थरबाजी हुई थी वो इन्होंने करवाई थी। हाल ही में यूनाइटेड नेशन में जाकर तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करने वाले एक नेता जिनका नाम है तिरुमुरुगन गांधी, जिन्होंने बहुत खुलकर तमिलों की प्रॉब्लम्स को वहाँ पे रखा, यूनाइटेड नेशन में रखा, वो जब वापस हिंदुस्तान आए तो एयरपोर्ट से ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इन तमाम लोगों की अगर आप जड़ों में जाके देखें, ये वो तमाम लोग हैं जो सोशल प्रॉब्लम्स को बारी बारी, समय समय पर लोगों तक पहुंचा रहे थे, लिख रहे थे, ट्वीट करते रहे हैं, और यहां तक कि भाषणों में भी इन लोगों ने काफ़ी हद तक BJP को और यहां की सरकार को हमेशा घेरा है। अगर हम बात करें नकिरण गोपाल जी की, तो नकिरण गोपाल जी जो हैं, जिन्होंने तमिलनाडु की राजनीति को बहुत करीब से देखा है, काफ़ी सारे इलेक्शन इन्होंने कवर करे हैं, और इसके बाद समय समय पर ये हकीकत जो भी तमिलनाडु में चल रही है उसके बारे में बेबाक होके लिखते आ रहे हैं। आज समस्या ये है कि अगर नकिरण गोपाल इसी तरह से लिखते रहे तो शायद और कई बड़े नामों का पर्दाफाश हो सकता है। नकिरण गोपाल जी की गिरफ्तारी के बाद एक साफ मैसेज ये जाता है कि एक इतने ऊंचे कद का पत्रकार, एक इतने बड़े स्ट्रक्चर का पत्रकार, अगर उन्हीं को गिरफ्तार कर दिया तो जो बाकी पत्रकार हैं उन पे क्या बीत सकती है। ये एक साफ साफ स्पष्ट मैसेज दिया गया है पूरे तमिलनाडु के पत्रकारों को कि अगर आप हमारे खिलाफ, यानी यहाँ की सरकार या फिर केंद्र की सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखते हैं, आपका भी हश्र यही होने वाला है। यानी लोकतंत्र इतना चरमरा चुका है तमिलनाडु में, आप यहाँ की सरकार के खिलाफ चूँ भी नहीं कर सकते हैं। आशा करते हैं डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ यानी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हम और आप चरमराने नहीं देंगे। इस तरह के चंद राजनेताओं की वजह से हम अपनी डेमोक्रेसी, जो कि सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी मानी जाती है, मैं अपने लोकतंत्र का सम्मान करता हूँ, मैं अपने लोकतंत्र को मानता हूँ और उसकी इज्जत करता हूँ, और मैं और मेरे वो तमाम साथी लोग जो मुझे सुन रहे हैं और जो मेरी ही तरह और काम करते हैं, मेरी तरह पत्रकार हैं, वो इस स्तंभ को चरमराने नहीं देंगे। आज हिंदुस्तान में एक ऐसा स्टेट है जहां पर कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता है। आप अगर किसी ऐसी भूल में हैं कि नकिरण गोपाल जी की आवाज़ को दबाकर आप तमाम पत्रकारों की आवाज़ दबा सकते हैं, तो आप शायद गलत हैं। उनकी आवाज़ अगर आप दबाने की कोशिश करेंगे तो उससे हज़ार गुना ज़्यादा ज़ोर से हम तमाम पत्रकारों की आवाज़
आपके कानों को चीरने के लिए तैयार खड़ी है। इस मामले में आगे जो कुछ भी हो रहा है उसकी पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ द रूस्ट न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखा रहा है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहे जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। नमस्कार। इफ यू आर सीरियस अबाउट रीचिंग अ हाई क्वालिटी ऑडियंस, स्पॉन्सर और एडवर्टाइज विद अस, कॉन्टैक्ट फॉर फर्दर डिटेल्स ऑन 8939511887 और राइट टू अस एट info.theroosternews@gmail.com।